हाय एंड वेलकम टू फ्यूचर इंडिया एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जो यूएई में जॉब तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एशियन कंट्री से, लाइक इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल से यूएई में लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी धोखे का शिकार होते हैं, और इस धोखे की वजह से उनका लाखों का जो जमा पूंजी है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो किसी एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जो आपको गलत कमिटमेंट करके, एक गलत ख्वाब दिखा करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। और अगर आपके हाथ में जो वीज़ा कॉपी आती है, और वो वीज़ा कॉपी भी डुप्लीकेट होती है, और ये पता उस वक्त आपको चलता है जब आप एक टिकट और डुप्लीकेट वीज़ा ले करके एयरपोर्ट जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो डुप्लीकेट वीज़ा है, और समझिए उस टाइम क्या बीतती होगी ऐसे लोगों पर जो इस फ्रॉड के चक्कर में फंस गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी आपके हाथ में यूएई के अंदर तीन सिटी आप मान सकते हैं इसको, जिस तरीके से दुबई है एंड शारजा है एंड अबू धाबी है, तीन जगह से वीज़ा इशू होते हैं, और तीनों जगह से वीज़ा जो इशू किए जाते हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू आप उसकी जेन्युइनिटी को, उसकी ओरिजिनलिटी को आप चेक कर सकते हैं, यानी ये पता कर पाएंगे इस वेबसाइट के थ्रू कि वीज़ा फेक है या ओरिजिनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर दोनों वीज़ा हैं, मैंने एक सैम्पल कॉपी लिया हुआ है ओरिजिनल वीज़ा का भी और फेक वीज़ा का भी। तो ये है हमारे पास ओरिजिनल वीज़ा। देखिए आप पेज को देख करके ज़रा भी पता नहीं कर पाएंगे कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, इससे कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन से प्रिंट लिया हुआ एक वेब पेज होता है, और प्रिंट की क्वालिटी की वजह से आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है कि यार ये तो ओरिजिनल दिख रहा है, ये तो डुप्लीकेट दिख रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसकी जेन्युइनिटी को, उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करना है तो आपको ऑनलाइन ही चेक करना चाहिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी के ऊपर, पेज की क्वालिटी के ऊपर, पेज की प्रिंट के ऊपर ज़रा भी ना जाए तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी वीज़ा चेक करने के लिए, वो होता है यूआईडी नंबर, और ये है यूआईडी नंबर, यानी ये नंबर अगर हम वेबसाइट में डालें, ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट ऑफ यूएई का वेबसाइट है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड से लोग वीज़ा चेक कर सकते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, यूएई के हर एक वीज़ा में यूआईडी नंबर ये कंपलसरी नंबर होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इसे चेक करते हैं कि वीज़ा ओरिजिनल है या नहीं। तो आ जाए यहाँ पर, इसमें दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, पासपोर्ट की डिटेल डालकर भी चेक कर सकते हैं, और अगर पासपोर्ट की डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। फाइल नंबर इज नथिंग बट इट इज अ यूआईडी नंबर। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन है वो फाइल का होना चाहिए, और जो सिलेक्शन टाइप है ये होना चाहिए वीज़ा का, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर लास्ट जो टाइप आपको सेलेक्ट करनी है, फाइल नंबर नहीं करनी है, आइडेंटिटी नंबर नहीं करनी है, यहाँ पर एमिरेट यूनिफाइड नंबर पर क्लिक करना है, और ये जो नंबर है 5730, मैं टाइप करूंगा 5730, फिर से आप चेक कर लें 4810, और यहाँ पर क्लिक करें इसे। यहाँ पर कभी कैप्चा कोड भी आ सकता है जो आपको मैनुअल एंट्री करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कैप्चा कोड है कि यहाँ पर हम क्लिक करें तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए ये ग्रीन सिग्नल हमें दे दिया। अब यहाँ पर जो राइट साइड में सर्च का बटन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और थोड़ा इंतज़ार करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर नीचे रिकॉर्ड आ गया है, तो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि वीज़ा पर जो नेम है वो ये नेम यहाँ पर है या नहीं है। अभी देखिए मोहम्मद दानिश, यहाँ पर भी मोहम्मद दानिश है, इसका मतलब ये है कि ये वीज़ा ओरिजिनल है। और अब यहाँ पर फाइल का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, यानी ये फाइल यूज्ड हो चुका है, यानी जिसके नाम से ये वीज़ा इशू किया गया था वो कैंडिडेट या वो आदमी अपनी कंट्री से यूएई में एंट्री कर चुका है, एंट्री मार चुका है। और ये जो फाइल की एक्सपायरी डेट है वो देखिए 22/8/2018, ये इस डेट को वीज़ा एक्सपायर
हो जाएगा, ठीक है। और ये है वीज़ा इश्यू डेट, तो देख सकते हैं तकरीबन ये 3 महीने का टाइम फ्रेम है वीज़ा के एक्सपायर होने में, ठीक है। इसी तरीके से चलिए हम इसे क्लोज करते हैं। आपने ये वीज़ा तो चेक कर लिया कि ओरिजिनल है, दूसरा एक सैंपल के तौर पर फिर से चेक करेंगे। हमारे पास दूसरा ओरिजिनल वीज़ा है, यहाँ पर भी इसका यूनिफाइड आप जूम कर लें और इसे भी आप चेक कर लें कि ओरिजिनल है या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, फाइल को यहाँ से आप पेज को आप रिफ्रेश करें, दोबारा से एंट्री इंटर पर क्लिक करें। देखिए अभी यहाँ पर कैप्चा कोड का जो सिंबल था वो नहीं आ रहा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ से लिंक कॉपी करिए, नए टैब में जाइए और क्लिक करने के बाद इंटर मार दीजिए। यानी ये जो कैप्चा कोड है इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैप्चा कोड नहीं आया तो कभी कभी फाइल नंबर डालने के बाद क्या होगा, प्रीवियस जो रिकॉर्ड होगा उसी का रिजल्ट आपको दिख जाएगा आपके स्क्रीन पर और आपको ऐसा लगेगा ये तो डुप्लीकेट वीज़ा है। तो आप ये श्योर करें कि आपके स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड का जो सिंबल है ये ज़रूर आना चाहिए, ये जो ऑप्शन है ये ज़रूर आना चाहिए। तो फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फाइल नंबर एंड वीज़ा और यहाँ पर एमिरेट यूनिफाइड नंबर, और यहाँ से हम यूनिफाइड नंबर कॉपी कर देंगे, ये 573042 नाउ 36 यहां पर 36 और यहां पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करिए। देखिए अभी आपसे कैप्चा कोड पूछ लिया है, यहां पर ये पूछ रहा है स्ट्रीट साइन, तो स्ट्रीट साइन कि जो बोर्ड देख रहे हैं एक जो डायरेक्शन है, तो जो जो कॉलम में इमेजेस आ रहे हैं वो कॉलम पूरी तरीके से सेलेक्ट करना है। देखिए इस कॉलम में कुछ नहीं है लेकिन इस कॉलम में उसका जो स्टैंड है वो इस कॉलम में दिख रहा है और इस ब्लॉक में भी दिख रहा है। अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई। अब एक ऑप्शन ने और पूछा है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर विथ व्हीकल, तो जो जिस स्क्वायर में भी आपको व्हीकल की इमेज है वो आपको क्लिक करनी है। देखिए इसमें भी व्हीकल की इमेज आ रही है, इसमें भी व्हीकल की इमेज आ रही है, इसमें भी 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 आ रही है, बाकी दूसरी में व्हीकल की इमेज नहीं है। अब सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन आपसे पूछ दिया है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर विथ व्हीकल्स, इफ देयर आर नन क्लिक स्किप। हमें तो व्हीकल की इमेज दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। अब ये वेरीफाई हो चुका है, अब सर्च पर क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए नाजिम हुसैन यहाँ पर इंग्लिश में भी दिख गया आपको, उर्दू में भी दिख गया, तो देखते हैं कि यहाँ पर भी नाजिम हुसैन ही नाम है क्या। यस यहाँ पर भी नाजिम हुसैन ही नाम है, जिसका मतलब यह है कि ये वीज़ा भी ओरिजिनल है। तो आपने दो ओरिजिनल वीज़ा को वेरीफाई कर लिया, अब हम एक फेक वीज़ा को ऑनलाइन क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ से फिर से हम वही ऑप्शन क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे लिंक को और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें और आपको ये देखना है कि वो कैप्चा कोड का जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर आना चाहिए। यस आ गया है, तो हमारे पास एक फेक वीज़ा का रिकॉर्ड भी है, तो हम यहाँ जाएंगे, ये देखिए नॉट वैलिड वीज़ा है, यहाँ पर किसी ने वीज़ा कॉपी तो दिया हुआ है लेकिन डुप्लीकेट वीज़ा है, किसी ने चीट किया होगा किसी के साथ में। तो यहाँ से हम यूनिफाइड जो नंबर है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फाइल नंबर एंड सिलेक्शन टाइप इट शुड ऑलवेज बी वीज़ा, हमेशा वीज़ा पर ही क्लिक होना चाहिए। अभी यूनिफाइड नंबर इंटर करना है आपको, यहाँ से यूनिफाइड नंबर है 56049 56049 एंड 740 740 एंड यहाँ पर कैप्चा कोड आई एम नॉट अ रोबोट। अब स्टोर फ्रंट, ए बी स्टोर फ्रंट यानी जो दुकान है उसके ऊपर जो बोर्ड लगे है दैट इज स्टोर फ्रंट, ए बी स्टोर फ्रंट है, ए बी स्टोर फ्रंट है एंड ये भी स्टोर फ्रंट है, दूसरा किसी में स्टोर फ्रंट नहीं है। सिंपली यहाँ से वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर सर्च, तो देखिए यहाँ पर नाम तो आ रहा है, यहाँ पर नाम आ रहा है जस्टिन लिनविले और फाइल टाइप जो है वो है यूज्ड रोबी 2000, फाइल एक्सपायरी डेट जो देख रहे हैं फाइल अभी एक्सपायर्ड नहीं है, 2023 में एक्सपायर्ड होगा, यानी ये ऐसा वीज़ा है जो वहाँ पर जा तो चुका है लेकिन जो उसकी जो मे बी 5 ईयर का देखिए 2018 से लेकिन 2023 तक इसकी वीज़ा की वैलिडिटी है, तो इमें
ये जो वीज़ा टाइप होगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा 3 इयर्स का। तो ये वीज़ा वैलिड तो है और यूज भी है, कैंडिडेट जो है वो आदमी अपनी कंट्री से यूएई में एंट्री कर चुका है, लेकिन आपकी वीज़ा कॉपी पर जो नाम है वो देखिए, यानी वो आपका वीज़ा नहीं है, किसी और का वीज़ा है, किसी ने इस कैंडिडेट के साथ में चीट या फ्रॉड किया होगा, तो ये वीज़ा आपके लिए वैलिड नहीं है, यानी ये वीज़ा कॉपी लेकर के आप इंट्री नहीं कर सकते एयरपोर्ट पर। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल और देखेंगे हम, सिंपली फिर से इस पर क्लिक करके एक नया टैब लेकर के इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद ये ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर आना चाहिए कैप्चा कोड वाला, यस आ गया। तो एक फाइल हम यहाँ से और लेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड का, तो यहाँ भी एक यूनिफाइड नंबर है 56049। यहाँ पर सिलेक्शन टाइप वीज़ा पर क्लिक रखें और मेरिट यूनिफाइड नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है 56049 एंड 709 709, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, स्ट्रीट साइन, सो दिस इज अ स्ट्रीट साइन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी पार्ट है, ये भी है, ये भी है स्ट्रीट साइन, ये भी है, ये भी स्ट्रीट साइन एंड वेरीफाइड। यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड है वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इसको भी जिस किसी ने भी वीज़ा दिया है ये वीज़ा डमी वीज़ा है, किसी ने फैब्रिकेट करके दिया हुआ है, यानी ये वीज़ा भी फेक है। तो मुझे उम्मीद है आज के सेशन में आपने एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हर एक के पास होनी चाहिए वो आपने यहाँ से सीखा है, और अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा तो ऐसे लोगों को तक शेयर करना ना भूलें जो एब्रॉड में या फिर यूएई में अपना जॉब देख रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।